छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर को लेकर टकराव दिख रहा है। पिछले 3 साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। कर्मचारी लगातार ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर से बैन हटाने को लेकर चर्चा भी की गई, लेकिन इसके नियम क्या होंगे इसका फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर सरकार विचार कर लेना चाहती है। इसलिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाएगी, लेकिन संयुक्त शिक्षक संघ इस फैसले से खुश नहीं है। मंत्रिमंडल की जो उपसमिति है उनके सुझाव और उनके अनुशंसा के आधार पर नया स्थानांतरण नीति बनेगा और जिसके आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांसफ़र में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से निर्णय आया है कि स्थानांतरण के लिए नियम उप समिति बनाएगी, जिससे कर्मचारियों को उलझाने वाली नीति बनेगी शायद, और उप समिति निर्णय क्या लेगी ये देखने वाली बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री से हम पुनः निवेदन करते हैं कि पुनर्विचार करते हुए आप सीधे स्थानांतरण नीति, खुला स्थानांतरण नीति लागू करने की घोषणा करें। सरकार के इस फैसले पर अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि उपसमिति का कोई औचित्य नहीं है, बिना अनुमोदन के भी 4000 ट्रांसफर हुए हैं। उपसमिति का कोई औचित्य नहीं है, पेपर में आप पढ़े होंगे, बिना अनुमोदन के भी 4000 ट्रांसफर हुए, बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के। तो ये सरकार अपने विधायकों में असंतोष मत हो इसलिए उपसमिति का एक सगुफा छोड़ दिया। कितनी उपसमितियां बनाई है मंत्रिमंडल के और क्या रिपोर्ट आया है? शराब की उपसमिति का रिपोर्ट क्या हुआ? इसका विभाग का क्या हुआ? तो निर्णय नहीं लेना होता तो उसके लिए ये उपसमिति बनाते हैं और कोई, ये सरकार अनिर्णय की सरकार है। तबादला नीति पर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कर्मचारियों में भी असंतोष दिख रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में तबादला नीति को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा तबादला नीति को लेकर क्या नियम बनाए जाते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे तबादले पे लगे बैन पर। आपको बता दें कि 3 साल से छत्तीसगढ़ में तबादले पे बैन लगा हुआ है। लंबे समय से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि तबादले से बैन कब हटे, जिसे लेकर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया जाएगा और उसके बाद जो है इस पर तबादले को हटाने को लेकर निर्णय किया जाएगा। हालांकि इस निर्णय से कर्मचारी वर्ग नाखुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ इसी विषय में चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही कर्मचारी संघ के नेता हैं। विजय झा जी, दोनों मेहमान का स्वागत है। कुछ ही देर में मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, क्या लगता है, क्या वाकई में तबादले पे बैन हटाने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की जरूरत थी या नए तबादला नीति की जरूरत थी? क्योंकि वैसे ही 3 साल सरकार को हो गए हैं और 3 साल से बैन भी लगे हुए हैं, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य बनने के बाद और पहले भी अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति पर बैन हटाने के संबंध में कभी मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन नहीं हुआ। भाई, जब कैबिनेट में निर्णय होते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो जो हेड हैं, अब उनके रहते हुए उनके नीचे मंत्रिमंडल समिति विचार करेगी। अब अभी बोल रहे हैं विधानसभा सत्र के बाद आदेश जारी होंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए, इसके पहले भी ट्रांसफ़र नीति हमेशा मई और जून में बैन हटता था और मई और जून में इसलिए ट्रांसफ़र्स होते थे कि बच्चों का स्कूल खुल गया, उनका एडमिशन हो गया, उसके बाद उसके माता पिता का ट्रांसफ़र होगा तो बच्चे को भी स्कूल से ट्रांसफ़र कराना, ये जुलाई अगस्त में नहीं होता था। अब विधानसभा सत्र के बाद अगस्त में भी बैन खुलेगा तो कितना ज़्यादा परेशानी बच्चों को और जो ट्रांसफ़र चाहता है। और सरकार बनने के बाद एक भी साल इस सरकार में बैन नहीं हटा है। आप कोरोना में कितने लोग दिवंगत हुए हैं, पति पत्नी एक जगह जाना चाहते हैं, यदि कोरोना में परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति दिवंगत हो गया है जिसके माता पिता में से कोई एक बुजुर्ग बचा हुआ है, उनकी सेवा के लिए जाना है। कुल मिला करके कोरोना काल के देखते हुए हमने बार बार ये मांग किया था कम से कम पति पत्नी एक जगह और कोरोना पीड़ितों को उनके बुजुर्गों की सेवा के लिए
एक जगह जाने के लिए ट्रांसफर नीति पर बेन हटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये उप समिति क्या विचार करेगी और कब निर्णय लेगी, तो कहीं ना कहीं ये विलंब करने लिंगर ऑन करने की नीति है। और उप समिति आज तक जितने भी गठित हुए उसका कोई निर्णय भी नहीं हुआ। सीधे सीधे जैसी परंपरा रही है स्थानांतरण नीति पर बेन हट जाता। जिला स्तर पर स्थानांतरण जो है प्रभारी मंत्री जी और कलेक्टर के मैंने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर से आर्डर जारी होते थे, वैसी अंतर जिला जो है वो विभागीय मंत्री और विभाग के सचिव ये आर्डर जारी करते थे। ये बीच में उप समिति का गठन करके मेरे को लगता है इस मुद्दे को टाला गया है। और असंतोष चाहे विपक्ष का आरोप हो कि विधायकों का संतोष या कर्मचारियों का संतोष, उसको दबाने की एक ये नीति है, ऐसा मुझको लगता है। विजय जी, चूंकि आप लंबे समय से कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते हुए आए हैं, अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो तबादले पे बैन तो लगा हुआ है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं बड़े कर्मचारी हैं उनका तो लगातार तबादला हो ही रहा है, तो क्या ये तबादला नई नीति बनाने की क्या आवश्यकता वाकई में थी? क्या आप एक कर्मचारी नेता के तौर पे कैसे देखते हैं निर्णय को? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिनका हो रहा है वो समर्थवान है। और ये जो स्थानांतरण नीति है केवल और केवल तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए लागू होता है, बाकी लोगों का बारे में ना ट्रांसफर होता ही है। आज कैबिनेट में हमारे कर्मचारी लोग बार बार फोन कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर कोई निर्णय नहीं हुआ और अपने विधायकों के वेतन भत्तों को फिर बढ़ा लिया गया। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक जो 5 दिवसीय आंदोलन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर, उस पर अडिग हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कल बिलासपुर संभाग में और आज रायपुर संभाग में उसकी तैयारी की बैठक हुई है। कर्मचारियों में हर मुद्दे पर आक्रोश नजर आ रहा है। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्या लगता है क्या तबादले में नीति को बनाने के लिए क्या आवश्यकता थी, क्या इसके लिए उपसमिति बनाने की आवश्यकता थी? क्योंकि 3 साल से जो कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि तबादले पे बैन हटे और हम अपनी जगह जा पाए। अब सरकार कह रही है कि अब उपसमिति बनाएंगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपा जाएगी। इसके पहले भी कई समिति बनी है, शराबबंदी को लेकर समिति बनी, अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया। स्काई वॉक को लेकर समिति बनी, निर्णय हो पाया। अब एक और समिति बन गई है तबादला को लेकर, 1.5 साल चुनाव होने में बचे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई उपसमिति की जरूरत थी कि सरकार इस पर निर्णय ले सकती थी तबादले खोलने पे? सुरेंद्र जी, पांडे जी, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काम करने का। आपको याद होगा एक संविदा अधिकारी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पूरा तबादला उद्योग का जिम्मा जो है पूरा वसूली गेंग उनके द्वारा संचालित किया जाता था उस सिस्टम को बदलने के लिए। और निश्चित रूप से देखिए, आपको याद होगा पांडे जी, दिसंबर 2018 में हमारी सरकार आई, 19 में जो जिस प्रकार से विजय झा जी निश्चित रूप से सम्मानीय कर्मचारी नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़ी संख्या जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की है, लगभग 4.25 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश में और बड़ी संख्या इनकी है। 19 में नीतिगत निर्णय भूपेश बघेल सरकार के द्वारा ये लिया गया कि जो छोटे कर्मचारी हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ग के, ज़्यादातर उनके जो तबादले होते हैं जिले के भीतर होते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से कलेक्टर के द्वारा शुरू भी किए गए थे। उसके बाद कोरोना का समय आ गया, महामारी में 2.5 साल निकल गया और वर्तमान जो सरकार ने आज कैबिनेट में डिसीजन लिया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही कहती है कि किसी एक व्यक्ति या एक अधिकारी के जिम्मा छोड़ने के बजाय यदि समिति बनाकर ज़्यादा लोगों की सहभागिता और कर्मचारी संघ और जो नेता हैं उनका उनका भी सलाह और सुझाव का उसमें समावेश हो, निर्धारित संख्या प्राथमिकता का निर्धारण और उसमें क्या कैसे किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। जिस प्रकार से आज कैबिनेट में निर्णय होने के तुरंत बाद समिति भी घोषित कर दी गई, तो निश्चित रूप से हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय कर्मचारी नेता हैं, उनकी जो मांगों पर सद्भावनापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार हो पाएगा। निश्चित रूप से विजय झा जी ने सही कहा कि आवश्यकता और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, कुछ बीमार हैं, पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार ने यह प्रमाणित किया है कि कर्मचारियों के पक्ष में जो भी निर्णय लेना होता है वो पूरी संवेदनशीलता बरती जाती है। 3,000 से अधिक अनुकंपा के नियम और उसमें जो पहले सीलिंग की व्यवस्था थी, जो परसेंटेज तय था उसको भी शिथिल किया गया। जिस प्रकार से 2004 से पुरानी पेंशन योजना अटल सरकार के समय से बंद कर दी गई थी उसको फिर से चालू करने का काम यदि किसी ने किया है तो भूपेश सरकार ने किया है।
हजारों की संख्या में शिक्षाकर्मी जो 2 साल की सेवा अवधि पूरा किए थे उनको भी नियमित शिक्षक और न केवल उनका संविलियन बल्कि 15,000 से अधिक नियमित शिक्षकों की भर्ती, 40,000 नए सेटअप में पद स्वीकृत किए गए जो नए तहसील नए जिले बनाए गए हैं। तो यह कहना कि कर्मचारियों के साथ कोई अहित हो रहा है मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। सम्मानीय नेता हैं विजय झा जी, उनके सलाह और सुझाव का पूरा स्वागत है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिसीजन जो होता है पांडे जी वो कैबिनेट का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। तो उस कैबिनेट के जो 4 वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी कमेटी बनाया जाना मैं समझता हूं कि इनका इसका स्वागत होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सलाह और उनके मांग पर भी समुचित विचार करके निर्णय होगा और निश्चित रूप से जो मांग है स्थानांतरण की वो कर्मचारी हित में ही ये पूरा निर्णय लिया गया है और इसमें वो सभी प्राथमिकताएं तय की जाएगी, जिम्मेदारियों का भी, बीमारी और पति पत्नी का जो आधार है उस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगी। बीजेपी तो कह रही है कि वैसे ही 4,000 से ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है, आईपीएस से लेकर आईएएस तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, तो फिर अब इस नए तबादले नीति की जरूरत क्या, इसके लिए उपसमिति क्यों बनाई गई? जनता पार्टी को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। 4.5 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश में, 3 साल में इन्हीं के आरोप में यदि 4,000 ये कहते हैं तबादले हुए हैं तो वो तो 1% भी नहीं होता। तो ये तबादला उद्योग चलाने वाले एक संविदा अधिकारी के माध्यम से इनको अधिकार नहीं है इस प्रकार से आरोप लगाए कांग्रेस पर। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही रहे हैं लेकिन बड़े अधिकारी की हो रहे हैं, आईएएस आईपीएस सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, तो क्या ये तबादला नीति छोटे ही जो कर्मचारियों के लिए आवश्यक थी, क्या छोटे कर्मचारियों की आपसी सहमति में ट्रांसफर नहीं हो सकता था, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए मेरी जानकारी में भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो वर्मा जी बोल रहे हैं 2019 में हो रहा था उसके बाद कोरोना काल आ गया। दूसरा, वर्मा जी बार बार संविदा अधिकारी बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी जो संविदा अधिकारी हैं शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला जी आपके सरकार में संविदा अधिकारी हैं, शिक्षकों को निकम्मा बोल दिए और उसके कारण पूरे प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों में एक आक्रोश आया। लोग बोल रहे हैं अब इनका संविदा नियुक्ति नहीं होना चाहिए, सरकार का चाटुकार है, पूर्व सरकार का आदमी है, अभी सरकार में चाटुकारिता करके संविदा नियुक्ति प्राप्त कर लिया। जहां तक इन्होंने कहा अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी हुआ, प्रतिबंध हटा, अनुकंपा नियुक्ति का प्रतिबंध बार बार मांग करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया है वो तो ठीक है, आदेश जारी करते समय अधिकारियों ने उसमें एक पूछ जोड़ दिया कि अनुकंपा नियुक्ति तो हुआ है लेकिन उनको सरकारी नौकर अभी नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लाइज नहीं है, उनको परीक्षा अवधि जो 2 साल था उसको बढ़ा के 3 साल कर दिए, लोगों को नियुक्ति के बाद 70% पहले साल में, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% केवल मूल वेतन मिलेगा। यह 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही वो अनुकंपा नियुक्त शासकीय सेवा कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के के विपरीत ये अधिकारी लोग ऐसा आदेश जारी करते हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है। जैसे अब समिति, मैं ये समझ रहा हूं समिति स्थानांतरण नहीं करेगी भाई, ये जो उपसमिति बनी है मंत्रिमंडली ये ट्रांसफर नीति को बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करेगी, उसके बाद शासन के अधिकारी उसको आदेश जारी करेंगे, उसका पालन होगा जो विधानसभा सत्र के बाद होगा, तो कुल मिलाकर के अगस्त लग जाएगा। तो ऐसे विलंब से लिया गया कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि वो अन्याय की श्रेणी में आता है। सुरेंद्र जी, उप समिति तो बहुत बन जाती है लेकिन जो उसके निर्णय हैं वो काफ़ी देर से आते हैं, इसलिए इंतज़ार जो है काफ़ी करना पड़ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि शराबबंदी को लेकर उप समिति आप लोगों ने बनाई, निर्णय अभी तक हुआ नहीं, स्काई वॉक को लेकर आपने समिति बनाई, निर्णय हुआ नहीं, अब तबादले पर बैन हटाने को लेकर भी समिति बना दी है, क्या माना जाए? जल्दी क्या उप समिति रिपोर्ट सौंप देगी सरकार को, ये माना जाए कि आने वाले 1-2 महीने में तबादले पर बैन हट जाएगा? तबादले पे बैन हटाने के लिए समिति नहीं बनी है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, तबादले के लिए जो नीति है उसके तहत समिति बनी है और इनके अनुशंसा पर तबादले होंगे। तो ये कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि जो तबादले कोरोना के कारण से, महामारी के कारण से अभी तक जो नहीं हो पाए थे वो फिर से शुरू होंगे। विजय झा जी वरिष्ठ नेता है, कर्मचारी नेता, जिस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति की निश्चित रूप से सभी कर्मचारी संगठनों ने इस बात का स्वागत किया था कि जो सीलिंग लगी थी पहले अनुकंपा के लिए, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शिथिल करते हुए 3,000 से अधिक, निश्चित रूप से 3 साल की संविदा उनकी अवधि है, प्रोविजनरी पीरियड है, लेकिन नियुक्तियां जिस पैमाने पर छत्तीसगढ़ में हुई है मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कहीं पे इतनी नियुक्तियां इतने पैमाने पर हुई होगी। जिस प्रकार से एक अधिकारी के संदर्भ में
विजय जी बात कर रहे हैं, ये भी इस बात के विदित थे कि पूर्व में जो प्रशासनिक आतंकवाद था एक सुपर सीएम कहे जाने वाले अधिकारी का, उससे भी विजय झा जी परिचित हैं। और वर्तमान सरकार में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो जनप्रतिनिधि और कर्मचारी संगठन के नेताओं की जो सहभागिता है सरकार के निर्णय में, कर्मचारी हित के तमाम योजना में जो जो मांग रखी जाती है, मैं समझता हूं कि विजय झा जी का इतना लंबा अनुभव रहा है, 15 साल के भाजपा के कुशासन और छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो कर्मचारी हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, यह सर्वविदित है। जिस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं कि साल के बीच में एडमिशन हो जाते हैं, तो इसके संदर्भ में भी प्रावधान है, जो कर्मचारी प्रभावित होते हैं उनके लिए स्कूल में एडमिशन के लिए अलग से कोटा होता है, निश्चित रूप से होना था, ये मई जून के समय में, उस समय प्रयास भी किया गया था, लेकिन ये जो देर से ही सही, लेकिन अभी यदि उनको उपचार मिल रहा है, उनको उनकी सुनवाई हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। तो नाखुश नजर आ रहे हैं कर्मचारी नेताओं का, साफ तौर पर सुरेंद्र जी कहना है कि स्थानांतरण जो है खुले तौर पे होना चाहिए या पुरानी नीति को लागू किया जाए। उनका यह भी कहना है कि ये जो नीति बनाई जाएगी उसमें अधिकारी भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो इससे उलझ के रह जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये जो नई नीति जो बनाने की बात की जा रही है इससे छोटे कर्मचारी को रिलैक्सेशन काफी हद तक मिलेगा? पांडे जी, एक व्यक्ति के निर्णय से ज्यादा अच्छा और ज्यादा लोकतांत्रिक और संवैधानिक माना जाता है कि जब समूह के द्वारा, समिति के द्वारा निर्णय लिया जाए, तो इसमें खुलापन भी आएगा, पारदर्शिता भी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई भी होगी। तो ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया का तो स्वागत होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में वो जिम्मेदारी रहे या उसमें वो कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाए, तो इसमें तो तमाम कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों की भी सुनवाई होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक और बाकी जो क्षेत्र में कार्यरत जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी सुनवाई होगी। तो ऐसे निर्णयों का तो स्वागत होना चाहिए। अधिनायकवाद होता था जब एक सुपर सीएम सारे फैसले लिया करते थे, तो कमेटी का डिसीजन तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्यों लगता है आप लोगों की जो नए तबादला नीति उपसमिति बनाएगी और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी उसमें कर्मचारी उलझ के रह जाएंगे, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? नहीं, उसका कारण है, आज तक कभी हुआ नहीं है। मैं तो ये समझ रहा था कि ये कमेटी स्थानांतरण नीति को बनाएगी। अब वर्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कमेटी जो बनी है मंत्रिमंडलीय उप समिति, यही स्थानांतरण का निर्णय कर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। तो ये तो और बड़ा संकट हो गया कि तीन तीन लोग बैठेंगे, कौन किसका आदमी है, फिर आपके क्षेत्र के विधायक, आपके प्रभारी मंत्री का उसमें कोई रोल ही नहीं रहेगा और विभागीय मंत्री का कोई रोल नहीं रहेगा, केवल ये कमेटी वाले ही निर्णय लेंगे। और बार बार जो वर्मा जी बोल रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 15 साल में भाजपा में ये हुआ वो हुआ ऐसा, अरे भाई वो लोग गड़बड़ किए तब तो आपको बैठा ले हैं दादा, और आप लोग भी वही करेंगे तो फिर हम लोग कहां जाएंगे, प्रदेश के कर्मचारी लोग। ये तो मैंने कोई बहाना नहीं हुआ कि वो ऐसा करते थे, हम उनको हटा करके आपको बैठा ले, उनसे अच्छा काम करके छत्तीसगढ़ की जनता और कर्मचारी को आपको दिखाना है, तब तो हम खुद बोलेंगे कि 15 साल में गड़बड़ था, आप देखो कितना अच्छा हो गया। कभी 15-20 साल में 3 मंत्री 4 मंत्री का कमेटी ट्रांसफर क्लेम नहीं बना, केवल विभागीय मंत्री और केवल प्रभारी मंत्री, और प्रभारी मंत्री के नीचे में कलेक्टर अनुमोदन करा के आदेश जारी करते थे, और विभागीय मंत्री एक जिले से दूसरे जिले के लिए जब ट्रांसफर होता था तो विभागीय मंत्री अनुमोदन करके विभाग के सचिव उसको आदेश जारी करते थे। ये परंपरा दोनों तीनों सरकार में राज्य बनने के बाद तक अभी तक रही है, ये नई परंपरा है कमेटी वाला, जो निर्णय होगा देखेंगे। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? पांडे जी, काल्पनिक आधार पर संदेह करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। सम्माननीय नेता है विजय जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सरकार का यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ज्यादा लोगों की सहभागिता, और मैं फिर से कहना चाहता हूं जो बीजेपी से तो कोई तुलना नहीं है, ये भी इस बात से वाकिफ है कि किस प्रकार से 2004 में पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई, और जब भूपेश सरकार ने फैसला लिया तो जो पैसे जमा है, जो कर्मचारियों का अंशदान है और सरकार का अंशदान है, 17,000 करोड़ मोदी सरकार वापस करने से मना करती है, तब तो कर्मचारी नेता बताएं कि वो सही है बीजेपी का फैसला, कि भूपेश सरकार के द्वारा मांग किया जाना सही है। तो कर्मचारी हित में तमाम निर्णय भूपेश सरकार ने लिए हैं, और आगे भी किसी का अहित नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो सरकार थी निश्चित रूप से जो जिन्होंने अति किया वो चले भी गए, और भूपेश बघेल सरकार पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लेती है और आगे भी लेगी। निश्चित रूप से जो नई नीति बन रही है उसमें सभी की सहभागिता होगी, सभी के अधिकारों का जो संरक्षण होगा, और सभी के मांग के अनुरूप ही निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं मुकेश शर्मा, वो भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आखिर क्यों लगता है कि ये जो तबादले को लेकर नई नीति के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया गया है,
इससे बीजेपी क्यों नाखुश नजर आ रही है, क्यों सरकार पर हमलावर है, क्या कहना है मुकेश जी आपका? देखिए निश्चित रूप से ये लगातार इस सरकार में तबादला उद्योग चला है, कोई भी काम कोई भी योजना ये ना क्रियान्वित कर पाते हैं ना उसका परिणाम दे पाते हैं, और लगातार इसका इसका कारण है, इसका कारण ये है कि कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी एक जगह यदि रहेगा नहीं, चीजों को समझेगा नहीं, आप चीजों को जब तक वो समझता है तब तक दूसरे जगह आप तबादला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारियों को लेके अधिकारियों को लेके गंभीर नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि कर्मचारियों को लेके सरकार गंभीर है और उनके बारे में लगातार विचार करती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लगातार पिछले दिनों आप देखे होंगे कि मनरेगा के कर्मचारी 400 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ पे धरना देने आए, उनको भी कहा गया कि समिति बना रहे हैं और आपके पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन आज भी वो आंदोलनरत है। तो जो किसी भी विभाग के कर्मचारी को आप देख लीजिए, इस सरकार में वो खुश नहीं है, लगातार कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए आए दिन आंदोलन स्थल के अंदर में कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं, तो कैसी ये सरकार के कर्मचारी हित की बात करते हैं और कौन से कर्मचारी हित की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मुकेश जी, हालांकि सरकार ने तो अभी उपसमिति गठित कर दी गई है, क्या पता जो ये जो तबादला नीति के जो नियम बनाएंगे पहले से बेहतर हो, उसके पहले ही बीजेपी क्यों हमलावर है कांग्रेस पे? देखिए ये किसी भी समिति का इनका ना तो बैठक होता है और ना ही निर्णय आता है, ये जब किसी चीज को पेंडिंग करना चाहते हैं तो उसमें समिति बनाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये गंभीर नहीं है, ना तो ये विकास को लेकर गंभीर है, न यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर गंभीर है। सुरेंद्र जी, बैठक नहीं होती बोल रहे हैं, मुकेश जी बोल रहे हैं बैठक नहीं होती, समिति बन जाती है, कोई निर्णय नहीं होता, क्या ये भी उपसमिति ऐसे ही चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पाप याद आ रहे हैं, अभी बैठे हैं विजय झा जी, वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, उनका ये कहना था कि 2019 में भी जो नीति बनी थी उसके तहत कोई भी ट्रांसफर नहीं हुए थे। मुकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि ये इनको 15 साल के अपने पाप याद आ रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने की ये बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जिस मनरेगा कर्मचारियों की ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास में बुलाकर उनसे मिला और जो 5 मांगे थी उस पर सहमति भी बनी। इनके समय में क्या होता था, विजय झा जी भी इस बात के गवाह हैं, जब शिक्षा कर्मी हमारी माताएं बहने यहां पर आंदोलनरत थी, सारे सार्वजनिक शौचालयों को आसपास के दुकानदारों को मना किया गया कि आप ताला लगा के रखें, आधी रात को उनको जेल में बंद करके घुटने टेकने मजबूर किया गया। तो ये दमनकारी प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस में सभी की सहभागिता है, सभी की सुनवाई होती है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया से निर्णय लिए जाते हैं, कमिटी बनी है तो इनको क्यों आपत्ति है? ये 15 साल सुपर सीएम के माध्यम से ये सरकार चला, एक पार्षद की टिकट तक वो डिसाइड करते थे, इनके कार्यकर्ता और नेताओं तक को नहीं पूछा जाता था, इनके गृहमंत्री तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते थे कि 6 महीने से मैं सीएम से मिलने के लिए समय मांग रहा हूं, मुझे समय नहीं दिया जाता। वो इनका प्रशासनिक आतंकवाद सही था, वो इनका अधिनायकवाद सही था। आज कमेटी बना के निर्णय लिया जा रहा है, आमजनों की और सभी की सहभागिता हो रही, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ। मुकेश जी क्या कहेंगे जी के आरोपों पे? देखिए ये कमेटी इनकी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कमेटी किसी भी चीज को पेंडिंग करने के लिए करते हैं, गुमराह करने के लिए। शराबबंदी को लेके भी बहुत कमेटी बनी, क्या निर्णय आया? आप सुन लो सुरेंद्र जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो चुप था, आप बोल लीजिए या आप बात कर लीजिए, यदि मैं आपके उत्तर दे रहा हूँ तो आप सुनिए, क्या निर्णय आया बताइए शराबबंदी को लेके, क्या निर्णय आया है मनरेगा कर्मचारियों को लेके, आप बता, सारी समिति खाली गुमराह करने के लिए बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आंदोलनरत है कर्मचारी, क्या मनरेगा कर्मचारियों के पर 17,000 कर्मचारी परेशान है, क्या निर्णय लिया आपने? सफाई कर्मी तक आंदोलनरत है, और तो और ये 25 तारीख से पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर में कर्मचारी संगठन कलम बंद करने की बात कर रहे हैं, ये अवसर आया क्यों? यदि आप कर्मचारी हित की बात करते हैं तो ऐसा अवसर आया क्यों? निश्चित रूप से मैं बार बार कहूंगा कि ये समिति सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए और चीजों को पेंडिंग करने के लिए बनाते हैं। ये इनको
बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, ना विकास का काम है, ना ये यहाँ पे कोई योजना बना पाए, ना उसका क्रियान्वयन कर पाए, ना कोई परिणाम निकाल पाए। ये बार बार इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद ये जनादेश का अपमान करते हैं और अभी भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की याद। अरे आप अभी क्या किए ये बताने का टाइम आ गया, 3.5 साल हो गए हैं। आप एक तो बताइए जिसमें आपने जनहित के अंदर में, कर्मचारी हित के अंदर में कोई निर्णय लिया हो। दूसरी तरफ आप कर्जे के बहुत तले दबा चुके हैं पूरे प्रदेश को, तो कर क्या रही है ये सरकार, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलते ही रहेगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने तबादले पर बैन हटाने के लिए उप समिति का गठन किया है, इंतजार है कर्मचारियों को जल्द तबादले से बैन हटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर बीजेपी और कर्मचारी दोनों ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द उप समिति अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद तबादले से बैन हट जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तीनों मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।